जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आप सबकी? आप सबको आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। मुझे अगेन कंफर्म कर दीजिएगा सबको मेरी आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको आवाज़ आ रही वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो है। मच, जी थैंक यू सो मच। अभी हम ज़्यादा वेट नहीं करते क्योंकि 6:01 हो चुका है और इंशाअल्लाह अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहले तो आप सब बहुत बहुत मुबारक, वेलकम के आप लोग हमारे चौथे बैच, ये हमारा फोर्थ बैच है मेरा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूएस टैक्स का, और अल्लाह का करम है 3 बैच बहुत सक्सेसफुली ख़त्म हो रहे हैं और हो चुके हैं और चौथा बैच हमारा चल रहा है। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के कोई नाम नहीं पूछ रहा क्योंकि सबके नाम मेरे सामने आ रहे हैं, तो कुछ थोड़ी सी चीजें बता दूं। कोई रूल्स वगैरह नहीं है ऐसे कोई खास। प्लीज जो भी आप लॉग इन करें वो अपने नाम से लॉग इन करें, जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटर आए हुए हैं तो प्लीज इससे फायदा नुकसान पता है क्या है कि वो नाम हमें है ना फिर वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ जाएगा नेक्स्ट क्लास से, कि जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो काइंडली प्लीज आप उस नाम से रजिस्टर्ड हो ताकि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, हमारी 45 to 50 to 60 मिनट जितनी भी क्लास होगी मेरी, क्लास के दरमियान में कोशिश कीजिएगा कोई क्वेश्चन ना कीजिएगा, अपने पास क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आपके जितने क्वेश्चन होंगे मैं वो सारे के सारे सारे के लूंगा, साथ क्वेश्चन लूंगा मैं आपसे, तो इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी सवाल करना होगा आप हाथ खड़ा करेंगे, यहाँ पे हाथ खड़ा करने का ऑप्शन होता है जूम के अंदर, तो आप हाथ खड़ा करेंगे और जो वन बाय वन मैं आपसे सवाल के जवाब दूंगा। अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि भाई आप लोग जो भी ये जिस भी प्रोफेशन से हैं, भले फाइनेंस से हैं, मार्केटिंग से हैं, एचआर से हैं, वेब डिजाइनिंग से हैं, टैक्सेशन से हैं, कहीं से भी हैं, भूल जाइए क्या करके आए हैं, ठीक है ना? क्योंकि जो कुछ भी आप करके आए ना वो यहाँ किसी के काम नहीं आने, ठीक है ना? अगर कोई ये सोचा है कि मैं फाइनेंस करके आया हूँ, टैक्स करके आया हूँ और ये करके आया हूँ, ये बिल्कुल अलग दुनिया है, पूरे कागज़ से आज आप लोग, ठीक है ना? और पूरे कागज़ के ऊपर मैंने लिखना है जिस भी प्रोफेशन से है, बिल्कुल अपने आप को पहले तो रिलैक्स कर लीजिए कि हम नहीं कर सकते, ये माइंड अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप लोग इसको नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्योंकि यूएस का खुद का जो कोर्स है इनरोल्ड एजेंट, वो ये कहता है कि आप किसी भी प्रोफेशन से हो, आप अगर मुझे पढ़ लोगे, मेरी किताबें पढ़ लोगे इनरोल एजेंट की जो कि आयरिस का, काइंडली प्लीज अपनी वीडियोस बंद कीजिए एंड डोंट, काइंडली प्लीज वीडियोस बंद कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। तो आयरिस का इनरोल एजेंट का कोर्स कहता है कि आप किसी भी प्रोफेशन से हो, आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप किसी भी प्रोफेशन से हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए और अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये काम नहीं हो सकता, मैं आपसे करवाऊंगा और आप जरूर करके दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है? हमारे पास जितने भी पुराने बैचेस के अंदर लोग आए हैं उन्होंने किया है और करके वो दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाइएगा, आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। नाउ अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है? सवाल जवाब के सेशन के अंदर कोई अपना टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, ना आपका टाइम ज़ाया करूंगा और ना मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब हम पूरे 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने हम लोगों ने साथ रहना है, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि किसने कौन इन्वॉल्व हो रहा है और कौन इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जो इन्वॉल्व नहीं हो रहा उसको इन्वॉल्व मैं करूँगा, ठीक है? सो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होके सुकून से पढ़िए, टेंशन फ्री होके सिनेरियोस देना किस तरीके से आपको चलाना है ये सब मेरा काम है, ठीक है? हाँ जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले वही हमेशा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरी जहाँ स्पीड तेज हो, ठीक है, मुझे आप लोगों ने रोक देना है, ठीक है? जज्बात के अंदर बहता हुआ मैं चला जाता हूँ पढ़ाता हुआ, तो थोड़ा आप लोगों ने ब्रेक मेरे ऊपर ब्रेक रखना है ताकि आपको भी सुकून रहे और मुझे भी सुकून रहे, ठीक है? हमारा जो ये कोर्स है यूएस फेडरल टैक्स फाइलिंग कोर्स है, एलएलसी फॉर्मेशन ITIN BI यूएस टैक्स प्रिपेयरर, ठीक है? इसका थोड़ा सा पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीखेंगे कि यूएस का टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बाद किसको रिटर्न फाइल करना है,
कब करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या होती हैं, 1040 फॉर्म क्या होता है, और ये टैक्स फॉर्मूला क्या है, ठीक है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ये पूरी पीपीटी भी मिल जाएगी, ना लिखने के अंदर अपना टाइम वेस्ट कीजिए ना किसी चीज में अपना। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी ना लिखिए, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। ये पीपीटी भी हर क्लास के बाद आपको मैं दे दिया करूंगा, रिलैक्स होके हर चीज आपके पास मौजूद है, बस यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सबसे पहले भैया के यूएस टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। देखें, हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, और हमें सबको पता है कि टैक्स कितने तरीके के, जितने भी तरीके के कह लो, दो तरीके के टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स और सेल टैक्स, ठीक है। बाकी मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा कि वो प्रॉपर्टी टैक्स होता है तो टूल टैक्स होता है तो बड़ा अनलिमिटेड टैक्स होते हैं ना। हम दो तरीके के टैक्स हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स। सेल टैक्स हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल सर, इनकम टैक्स लेता कौन है? भाई दो अथॉरिटीज है यूएस के अंदर, एक फेडरल है और एक स्टेट है। सवाल आता है सर, फेडरल किसे कहते हैं और स्टेट किसे कहते हैं? फेडरल जो कि आपका व्हाइट हाउस बना हुआ है ना आपका, जिसमें हम देखते हैं कि एक आते हैं बराक ओबामा साहब, कभी आ जाते हैं तो कभी आपके अल्लाह भला करे आजकल बाइडन है ना, वो आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं फेडरल, ठीक है, जिसे हम एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी कहते हैं यूएस के अंदर। इसके बाद यूएस के अंदर 52 स्टेट्स हैं, तकरीबन 50 से 52 स्टेट्स हैं और यूएस के अंदर, जो कि हर स्टेट अपना टैक्स खुद कलेक्ट करती है। जैसे ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में दो तरीके के टैक्स चलते हैं। पाकिस्तान में तो जो सूबाई होते हैं वो एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट करते हैं या सेल टैक्स कलेक्ट करते हैं, और जो फेडरल होती है वो सिर्फ इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। लेकिन यूएस के अंदर क्या है कि इनकम टैक्स जो है वो फेडरल भी कलेक्ट करता है और स्टेट भी कलेक्ट करता है। फेडरल कौन होता है? जो कि इनका सेंट्रलाइज है, जिसे हम आयरिस कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं फेडरल। और स्टेट क्या होती है सर? स्टेट वो होते हैं जो कि एक तरीके के आप कह लीजिए उनके सूबे, 52 सूबे हैं जिन्हें हम स्टेट कहते हैं। उन स्टेट के अंदर फिर वो शहर होते हैं, शहर के अंदर भी काउंटीज होती हैं, वगैरह वगैरह। अब मजे की बात ये है कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स आपने बता दिया, ये भी बता दिया कि कौन इसका टैक्स कलेक्ट करेगा, तो किससे करेंगे टैक्स कलेक्ट? भाई इंडिविजुअल से भी करेंगे और बिजनेस से भी करेंगे। अच्छा, तो अगर एक यूएस सिटीजन है तो वो बेचारा फेडरल को भी टैक्स देगा और स्टेट को भी देगा। जी बिल्कुल, वो एक अगर इंडिया न्यूयॉर्क के अंदर रह रहा है और उसकी 1 लाख की इनकम आ रही है, तो वो उस 1 लाख की इनकम के ऊपर फेडरल को भी टैक्स देगा और उसी 1 लाख की इनकम के ऊपर स्टेट को भी देगा। सर ये समझ नहीं आया, फेडरल भी ले रहा है मुझसे टैक्स, स्टेट भी ले रहा है, ऐसा क्यों? इसकी वजूहत ये कि फेडरल कहता है भाई मैं तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ सरहदों के ऊपर, ठीक है ना, मैं दुनिया भर के अंदर सारे काम कर रहा होता हूँ, ठीक है ना, और तुम्हारा एक नाम मैंने दुनिया के अंदर बनाया हुआ है, तो फेडरल कहता है भाई मैं अपनी सर्विस का चार्ज करूंगा। तो सर फिर स्टेट क्यों लेता है मुझसे टैक्स? स्टेट इसलिए क्या लेता है, स्टेट बोलता है भाई मैं तुम्हें रोड बना के दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी करके दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हें सारी, तुम जहाँ रह रहे हो उन सारी चीजों को, उन जगह को मैं मैनेज करके दे रहा हूँ, तो मैं कहाँ से मैनेज करूंगा? फेडरल से पैसे थोड़ी लूंगा, तुम्ही से पैसे लूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा टैक्स दो तरीके का हुआ, इनकम टैक्स, सेल टैक्स। कौन मुझसे टैक्स लेगा? फेडरल एंड स्टेट। फेडरल क्यों लेगा? वो कहता है भाई तुम, मैं तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी हूँ, सरहदों के ऊपर किया हुआ है। अच्छा, वो कहता है भाई जान अगर ठीक है, स्टेट क्यों लेगा? स्टेट इसलिए लेगा टैक्स। अच्छा, किससे लेगा? बिजनेस से भी लेगा और इंडिविजुअल से भी लेगा, दोनों से लेगा, ठीक है। तो अब सर बिजनेस में अगर लेगा तो किस तरीके से लेगा? तो बिजनेस में जो फॉर्म्स होते हैं वो 1040 होता है, 1040 NR। 1040 का मतलब ये होता है कि जो यूएस सिटीजन है वहां का जो बंदा रह रहा है वो अगर अपना टैक्स फाइल करेगा तो उसे जो फॉर्म यूज करना है उसको कहते हैं 1040। जैसे पाकिस्तान के अंदर 114 का फॉर्म होता है ना, आप अगर जो टैक्स वाले लोग हैं। अब अगर नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, जो कि यूएस सिटीजन नहीं होता, ठीक है, मेरे और आप जैसा बंदा यूएस चला गया, तो उसको जो रिटर्न भरना पड़ेगा वो 1040 NR भरना पड़ेगा। 1040 SR क्या होता है सर? सर जो 1040 वाला जो बेचारा यूएस सिटीजन 65 साल से ऊपर का हो जाता है ना, उसको 1040 SR बनना होता है। और सर 1040X, 1040X का मतलब ये है कि भाई जब गलती हो जाती है ना इन तीनों से ऊपर वालों से, कोई भी गलती हो जाती है ना, जब वो अपना रिटर्न रिवाइज करते हैं तो वो 1040X फाइल करते हैं। सर ये तो याद रखना बड़ा मुश्किल होगा, याद रखने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी चीज मैनुअल नहीं होती, इसको ऑटोमेटिकली क्लिक के ऊपर सिस्टम खुद फॉर्म सिलेक्ट करता है, ठीक है। उसको बताओगे ना भाई मैं यूएस सिटीजन हूँ, वो 1040 सिलेक्ट कर लेगा। उसको बताओगे ना डेट ऑफ बर्थ डालोगे मैं 65 साल के ऊपर का हो गया, वो ऑटोमेटिकली 1040 SR सिलेक्ट कर लेगा।
उसको बताओगे ना भाई कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, 1040 एनआर कर देगा, ठीक है। उसको सिस्टम को बताओगे ना कि 1040 मुझे रिटर्न, मेरे में गलती हो गई है, मुझसे अमेंडमेंट करनी है, क्लिक करोगे 1040 एन एक्स कर देगा। तो माइंड में कुछ नहीं है, कुछ याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ सिस्टम यूज करना आना चाहिए, लॉ पता होना चाहिए और सिस्टम यूज करना चाहिए। अच्छा सर, इंडिविजुअल तो हो गया, बिजनेस टैक्स आपने ये तीन तीन लिखे हुए हैं, 1065, 1120S और 1120, ये क्या होते हैं जनाबी वाला? आगे जाके पढ़ाऊंगा, अभी तो समरी दे देता हूँ। 1065 क्या है? पार्टनरशिप, मल्टी मेंबर एलएलसी, एक से ज्यादा लोग। आपने भी पाकिस्तान से बहुत से लोगों ने एलएलसीयां यूएस के अंदर बनाई होंगी या बना रहे होंगे, तो अगर वो सिंगल मेंबर एलएलसी है तो वो 1040 एनआर में जाएगी, अगर मल्टी मेंबर एलएलसी है, एक से ज्यादा लोग है, तो 1065 आगे जाके समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पहली क्लास है, सिर्फ सुनते रहो। 1120S क्या होता है सर? ये एस कॉरपोरेशन होता है, जिसे हम कहते हैं एस कॉरपोरेशन, ये सिर्फ और सिर्फ यूएस सिटीजन को अलाव होता है, मेरे और आपसे जैसे जो नॉन यूएस सिटीजन है उनके लिए तो इस पर भटकना भी बिल्कुल नहीं है, ना भटक सकते हैं। 1120 क्या होता है? 1120 भाई सी कॉर्प कहलाता है, डबल टैक्सेशन। पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड का नाम सुना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, तो 1120 उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके अंदर क्या होता है, पहले जो होती है कंपनी टैक्स देती है, डिविडेंड दोगे तो फिर टैक्स दोगे, तो ये 1120 का मतलब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। अब सर ये बताइए, ये सारे काम जो है ये करेगा कौन? मैं और आप करेंगे ना, टैक्स प्रिपेयरर ये सारे काम करेगा। अच्छा तो ये हाथ से भरेंगे क्या करेंगे? नहीं भाई, सिस्टम होते हैं, यूएस के टॉक्स टैक्स सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रो कनेक्ट, ड्रैग, टर्बो। सर पाकिस्तान के अंदर तो मतलब हमारा एक आईआरएस का पोर्टल है, जहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं, बनाते हैं और सबमिट कर देते हैं हम रिटर्न। यूएस में ऐसा क्यों नहीं है? यूएस में ऐसा इसलिए नहीं है कि भाईजान वो आईआरएस ने बोला मैं ये दर्दे सर अपने सर नहीं लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर तो 8 मिलियन रिटर्न, 80 लाख रिटर्न भरे जाते हैं, मेरे मुल्क के अंदर 13 करोड़ रिटर्न भरे जाते हैं, 130 मिलियन। तो उसको अगर मैं मैनेज करने बैठ गया तो मैं तो सिर्फ यही करता रहूंगा। तो उसने क्या किया, इसको आउटसोर्स कर दिया बड़ी बड़ी कंपनीज को, ये प्रो कनेक्ट, ये ड्रैक, ये टर्बो, ये बिलियन ऑफ रुपीज की, बिलियन ऑफ डॉलर की कंपनीज हैं, ये हर साल अपना सिस्टम एज पर द आयरिस लॉ अमेंड करती है, हम प्रो कनेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर ही आप सारा रिटर्न बना रहे होंगे, ठीक है। अच्छा सर, इसके ऊपर बनाने के बाद क्या होता है? बनाने के बाद कुछ नहीं होता, ये बैकएंड के ऊपर आयरिस के सर्वर से कनेक्ट होता है, और आप जैसे ही अपना रिटर्न इन सॉफ्टवेयर के बनाते हैं और सबमिट दबाते हैं, ये आयरिस के पास चला जाता है, खत्म काम। तो सर इसकी समरी क्या हुई कि कौन है इनकम टैक्स, सेल टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, फेडरल एंड स्टेट किससे कलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल और बिजनेस से। इंडिविजुअल में क्या है सर? 1040, 1040 एनआर, 1040 एक्स, 1040 एसआर। सर बिजनेस पे क्या है? सर मेरे 1065 है, 1120 एस है, 1120। अच्छा, सर ये मैं बनाएगा कौन इन सबको? मैं बनाऊंगा, टैक्स प्रिपेयर बनाएगा। कहाँ बनाएंगे? टैक्स सॉफ्टवेयर में बनाएंगे। कौन सा सॉफ्टवेयर? हजारों सॉफ्टवेयर है, कोई भी यूज कर लो। अच्छा सर, ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आयरिस के पोर्टल से? नहीं, आयरिस के पोर्टल से ये कनेक्ट होते हैं, आयरिस खुद कुछ भी नहीं करता, वो बोलता है भाई मेरा काम है लॉ बनाना, देखना, मैं इन डेवलपमेंट के चक्करों में पकड़ों में नहीं पड़ूंगा, ये सर्वर है, ठीक है, ये उसका काम है, बग आएगा वो, उसको भाई ये मैंने फील्डें दी हुई है, इस फील्ड में डेटा चाहिए, ये कंपनी का काम। अच्छा सर, ये ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर यूएस के अंदर? भाई यूएस के अंदर तो कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, ठीक है, आगे जाके पढ़ाऊंगा। जो लोग कहते हैं ना कि यार पूरी जिंदगी टैक्स दो और फिर बुढ़े हो जाओ तो मजे से वहां पे पेंशन मिलती है और ये मिलता है, जब आपको पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे सर इतना टैक्स देते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स देते हैं, तब जाके उनको पेंशन 1700 से 1900 डॉलर पर मंथ मिलती है, आगे जाके पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसके आप नजर आ रही है स्क्रीन आप लोगों को? जी आ रही है। आ रही है? जबरदस्त। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। जी, थैंक यू, वंडरफुल। तो पहले तो हमने ये समझा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर के बाद हमारा है कि फाइलिंग रिक्वायरमेंट, कि सर ये तो बताइए कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल, स्टेट, सारी चीजें आपने कर ली, ठीक है ना, लेकिन काइंडली मुझे अब ये तो बताइए कि किसको भरना है, फाइलिंग किसको करनी है। देखें लॉ तो कहता है कि जिसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा अगर किसी की इनकम है यूएस के अंदर तो उसको रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। अच्छा जी सर, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब ये है कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि 6 लाख तक की इनकम है तो
तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, 6 लाख से जो ऊपर की इनकम है उस पर टैक्स लगेगा। बिल्कुल ठीक। तो यूएस के अंदर भी उन्होंने इस लिमिट को, जो कि एक एग्जैक्ट लिमिट होती है, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कह दिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में भी मोर आगे बताता हूँ कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है, लेकिन सबसे पहले बताता हूँ कि किसको रिटर्न भरना है। तो जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा अगर वो कमाएगा, ठीक है, तो उसको रिटर्न फाइल करना है। लेकिन मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इस रूल को मैं किस तरीके से नेगेट करके आपको दिखाऊंगा कि एक बंदा जिसने स्टैंडर्ड डिडक्शन से नीचे इनकम कमाई है, ठीक है, आप उसका भी रिटर्न आपको कहना है कि आप भरवाएं। क्यों? क्योंकि उस बंदे को अन इनकम क्रेडिट मिलेगा तकरीबन 3 से 3,500 डॉलर, और उसके पास अगर बच्चे हैं तो पर बच्चा उसको $1,500 एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर एक बंदा है, उसने कुछ नहीं, मतलब उसने स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब जैसे पाकिस्तान में 6 लाख से कम है, तो अगर उसने स्टैंडर्ड डिडक्शन तक इनकम कमाई है, आप उसको भी कह रहे हैं रिटर्न भरें? जी बिल्कुल भरें। क्यों? क्योंकि अन इनकम क्रेडिट क्या कहता है? अन इनकम क्रेडिट को कहते हैं गरीबों का क्रेडिट। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो सपोर्ट की जाती है, बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पे कर दिया जाता है, फैसला लाइनों में लगा के बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पे बेनिफिट दिया जाता है। यूएस के अंदर क्रेडिट की सूरत में बेनिफिट दिया जाता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा जो कि लॉ कह रहा है 12,000, जैसे 12,950 स्टैंडर्ड डिडक्शन एक सिंगल बंदे की, ठीक है ना, स्लैब आगे जाके अभी बताता हूँ, और भी आगे स्लैब है कि क्या है। तो एक बंदा जो कि 12,950 डॉलर सालाना कमा रहा है, और वो कह रहा है कि मेरे पे टैक्स नहीं बनता, आप उसको भी कह रहे रिटर्न भरो? वो इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया कि उसको अन इनकम क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, अगर उसके बाद बच्चा है, ठीक है ना, तो हेड ऑफ हाउस होल्ड अगर एक बच्चा है तो उसका अन इनकम क्रेडिट भी बढ़ जाएगा, उसका एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा जिसके आप कह रहे हैं, लॉ कह रहा है उसको रिटर्न नहीं भरो, लेकिन आप कह रहे हैं रिटर्न भरो कि उसको रिफंड मिलेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। टैक्स प्रिपेयर का काम मैंने बहुत से इंटरव्यू किए पाकिस्तान के अंदर, जब मैं हायरिंग करता था, अब तो मेरे पास फ्रीज हो गई है हायरिंग, तो मैंने जितने भी लोग बेचारे देखे टैक्स प्रिपेयर के नाम से, वो टैक्स प्रिपेयर नहीं थे, वो क्या थे, अल्लाह भला करे, डेटा एंट्री ऑफिसर। डेटा एंट्री ऑफिसर क्या के डेटा आ गया सिस्टम में डाल दिया। ये पाकिस्तान में अभी ज्यादातर टैक्स प्रिपेयर का काम ये है कि डेटा आया सिस्टम में डाल दिया, खत्म, ठीक है। लेकिन मुझे आपको डेटा एंट्री ऑफिसर नहीं बनाना, मैंने आपको रियल टैक्स प्रिपेयर बनाना है। टैक्स प्रिपेयर वो कि जिसके पास इंडिविजुअल क्लाइंट है, तो उसको एडवाइस भी कर सके कि मेरे भाई ये रिटर्न आपको भरना चाहिए क्योंकि आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। टैक्स क्रेडिट कैसे पता चलेगा? जब आप पढ़ोगे क्रेडिट। अगर डेटा एंट्री ऑफिसर बनाना होता तो ये कोर्स ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते से ज्यादा का नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको मुझे समझाना है कि करना कैसे है। तो इसका मतलब ये हो गया सर, फाइलिंग रिक्वायरमेंट के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा कमाएगा उसको टैक्स भरना है। बिल्कुल, लॉ तो ये कहता है, ठीक है, लॉ ये कहता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है, एग्जैम्प्ट लिमिट, उससे ज्यादा अगर कमाओगे तो टैक्स दो, रिटर्न फाइल करो, वरना रिटर्न फाइल ना करो। ओके, अच्छा सर कब रिटर्न फाइल करना है ये तो बता दें आपको। 15 अप्रैल से पहले पहले रिटर्न फाइल करना है। अच्छा सर, हम तो पाकिस्तान में इतने सुस्त हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि अक्टूबर, 31 अक्टूबर कहता है, फिर भी हम ध्यान रख रहे होते हैं कि शायद 15 दिन मिल जाए। तो क्या यूएस के अंदर भी ऐसा कुछ है कि 15 अप्रैल को अगर मैं रिटर्न फाइल ना कर देखिए, सकूं, 15 अप्रैल को अगर मैं रिटर्न फाइल ना कर सकूं, तो कोई ऐसी कंडीशन है कि मुझे कोई एक्सटेंशन मिल जाए? जी बिल्कुल, यूएस के अंदर आपको गवर्नमेंट के वजीर खजाना का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। 15 अप्रैल को वो आएंगे टीवी के ऊपर, वो और वो अनाउंस करेंगे कि हमने 15 दिन बढ़ा दिए, 20 दिन बढ़ा दिए। यूएस के अंदर ऐसा नहीं है, वहां पे बड़ा स्टैंडर्ड कानून है कि आप वहां पे एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, आपको स्ट्रेट 6 महीने की एक्सटेंशन मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो 15 अप्रैल को रिटर्न फाइल करने वाला है, उसको 15 अक्टूबर तक का टाइम मिल जाएगा। जी बिल्कुल, और सिर्फ कुछ नहीं करना, उसको फॉर्म भर देना है, 4868 फॉर्म 15 अप्रैल तक भर के आपका कंसल्टेंट ही भर देता है, आप ही भर देते हैं, और वो फाइल कर दिया जाता है, 6 महीने की इजाजत मिल जाती है। सर ये तो मजे की बात है कि 6 महीने बाद टैक्स दे देंगे सर? नहीं बहन जान, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक्सटेंशन जो आपको मिली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न भरने की मिली है, टैक्स तो आपने आज ही पे करना है। ये क्या? जी हाँ, मिसाल के तौर पे आपकी लाइबिलिटी बनती है 15,000 डॉलर। तो मेरे भाई अगर आपको जो एक्सटेंशन मिली है ना, तो ये एक्सटेंशन मिली है एक्सटेंशन टू फाइल, नॉट एक्सटेंशन टू पे। एक्सटेंशन टू पे अगर आप जाके अक्टूबर में जमा करवाएंगे 15,000 डॉलर, तो
तो आपको एक और नोटिस आ जाएगा कि जनाबे वाला 15,000 तो लाइबिलिटी थी, लेकिन ये जो आपने 6 महीने गुजारे इसके ऊपर डिफॉल्ट सर चार्जेस भी दीजिए, इंटरेस्ट भी दीजिए और ये पेनल्टी भी दीजिए। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मैंने टाइम पे फाइल करना है, अगर एक्सटेंशन मिलती है तो पैसे मैंने टाइम पे दे देने हैं, लेकिन फाइलिंग एक टाइम पे नहीं कर, एक 6 महीने बाद कर सकता हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आइए आगे सर, आप कह रहे थे स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी वंडरफुल। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन? देखें स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है कि मैंने कहा एग्जैम्प्ट लिमिट। अब एग्जैम्प्ट लिमिट जो है ना, वहां पे पाकिस्तान में तो दो तरीके की हैं, बिजनेस एंड सैलरीड पर्सन। अब दोनों की सेम कर दी है ना, लेकिन यूएस के अंदर जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन या आपको जो अलाउबल लिमिट होती है वो आपके स्टेटस के ऊपर होती है। स्टेटस मतलब अगर मैं सिंगल हूँ, कोई बच्चा नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, बिल्कुल अकेला हूँ मैं, तो मुझे 2022 में 12,950 की स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, और 2023 में जो आने अब जो रिटर्न हम फाइल करेंगे 13,850 की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13,850 डॉलर तक उस बंदे के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर एक बंदा 15,000 डॉलर कमा रहा है तो 13,850 माइनस कर दीजिए, उससे ऊपर जो बच गया उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली, मेरिट फाइलिंग ये सब आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा मैं अगली क्लास के अंदर, ये सब डिटेल में आएगा कि सिंगल क्या होता है, मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली। मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली क्या होता है कि पाकिस्तान में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रिटर्न फाइल करते हैं, यूएस के अंदर हस्बैंड और वाइफ अपना रिटर्न ज्वाइंटली फाइल करते हैं, भले आपकी वाइफ हाउस वाइफ है या जॉब करती है। तो उसकी बेस के ऊपर आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो जाती है 25,922 में और 27,723 में। अब मेरिट फाइलिंग सेपरेटली, सर ये क्या होता है कि अलहदा लोग हो गए? नहीं भाई अलहदा नहीं हुए, कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि दो एक जो आपका जो हस्बैंड होता है आपकी उससे या तो बन नहीं रही होती, या तो फिर आप कहते हैं कि आपका टैक्स पेयर है ना, वो ये कहता है कि यार कि मैं है ना अपनी आपकी वाइफ, पता आप स्ट्रेटेजी के लिए आप लोग अलग अलग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं मेरिट फाइलिंग सेपरेटली, और उसके अंदर आपको जो इंडिविजुअल सिंगल वाली जो है वो आपको डिडक्शन अलाव होती है। हेड ऑफ हाउस होल्ड, सर हेड ऑफ हाउस होल्ड क्या होता है? यार हेड ऑफ हाउस होल्ड है ना, ये होता है कि मैं अकेला बंदा हूँ, ठीक है ना, शादी हुई थी, बीवी छोड़ के चली गई और एक बच्चा रह गया, चलो ये भी हेड ऑफ हाउस होल्ड हो गया। अकेला रहता हूँ, माँ बाप को पालता हूँ, मतलब माँ बाप को साथ रखा हुआ है मैंने, एक ही बच्चा हूँ, यूएस के अंदर तो माँ बाप को पालते तो नहीं है, खैर कोई अच्छा बंदा निकल आया तो उसने माँ बाप को पाल लिया, तो वो भी हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी में आ गया। अब इसकी लिमिट्स हैं, इसकी कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस सब आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हेड ऑफ हाउस होल्ड अगर होगा तो 20,800 और 19,400, ठीक है ना, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। सर ये सारी बातें तो आप कर रहे हैं, ठीक है अच्छा है, जरा ये तो बताइए कि फॉर्म तो दिखा दें हमें कि ये किस तरीके का 1040 दिखता है, क्योंकि अभी तक तो हम तो प्रैक्टिकल सीखने आए हैं कि ये सारी बातें तो किताबों के अंदर भी मौजूद है, प्रैक्टिकल तो कुछ बताएं। तो ये है 1040 आपका फॉर्म, ठीक है, अभी आपको मैनुअली दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको सिस्टम पे दिखाऊंगा अगली क्लासों में, जरा आप हजम कर ले चीजों को, ठीक है, अभी काफी हो जाएंगी आपके लिए, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। स्क्रीन नजर आ रही है आपको गूगल की स्क्रीन? जी ये 1040 है ना, ये 1040 का फॉर्म नजर आ रहा है आपको? जी आ रहे हैं वंडरफुल। आइए जी जरा इसको रिव्यू करते हैं, ये है क्या चीज? ये 2 पेज का फॉर्म है, लेकिन इसके पीछे 500 फॉर्म होते हैं, ये 2 पेज का फॉर्म है, इसके पीछे 500 फॉर्म होते हैं। आ एक छोटा सा 1040 जरा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना होता है, सबसे पहले कि भाई फाइलिंग स्टेटस क्या है, सिंगल हूँ, अकेला, छड़ाछाट, बिल्कुल कोई नहीं है साथ, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, बीवी के साथ, बीवी का मतलब ये है कि स्पाउस कह दूं मैं यहाँ पे, स्पाउस कहना ज्यादा सही है, स्पाउस कहना मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वहां पे आप समझ सकते हैं मैरिड फाइलिंग सेपरेटली का मतलब है अलग अलग पार्ट देना, हेड ऑफ हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, और मैरिड क्वालिफाइंग विडो का मतलब ये है कि श्योर साहब मर गए, बच्चे मौजूद है, बच्चा होना जरूरी है, अगर हस्बैंड मर जाए, शौहर की डेथ हो गई या स्पाउस की डेथ हो गई और आपके पास एक बीबी है जिसको आप पाल रहे हैं, तो आप क्वालिफाइंग विडो की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करा, सिंगल फाइल कर दिया। मैंने कहा था चलो ठीक है मैं मैरिड फाइलिंग ज्वाइंट नहीं कर देता, थोड़ा सा इसको बनाते हैं इधर,
यूएस के अंदर सबसे पहले आप लिखते हैं नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, हमेशा याद रखिएगा, जब भी काम कीजिएगा यूएस के अंदर कैपिटल वर्ड में कीजिएगा, ठीक है, हमेशा कैपिटल वर्ड में काम कीजिएगा, स्मॉल लेटर में काम ना कीजिएगा, उधर पसंद किया जाता है। अब आ गया सोशल सिक्योरिटी नंबर। सर सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या होता है, ये पाकिस्तान में जैसे शनाख्ती कार्ड होता है ना CNIC, यूएस के अंदर यूएस सिटीजन का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, और नॉन यूएस सिटीजन अगर पाकिस्तान से आप वहां जाते हैं और आपको इमिग्रेशन नहीं मिल, सॉरी आपको सिटीजनशिप नहीं मिली लेकिन आपको फिर भी रिटर्न फाइल करना है, तो आपको इशू होता है ITIN, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये सब 9 नंबर के होते हैं, ठीक है, दो कोई भी नंबर में डाल दो, ठीक है। आप स्पाउस, स्पाउस के अंदर कोई भी नाम डाल दीजिए, ठीक है, अब खाला जान लिख दिया मैंने, खालदा जहां कर देते हैं ज्यादा बेहतर है, वैसे भी रिपीट को इनका भी सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, डाल दिया। अब ना एड्रेस के अंदर, यूएस के अंदर क्या होता है कि आपने अपना पहले एड्रेस लिखना होता है, एड्रेस क्या है भाई, डाल देता हूँ 302, अरे हैरत की बात है, ये नीचे गया, चल 302 बैल्कन स्ट्रीट, अलग अलग कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब आता है सिटी, सिटी क्या है, वहां पे जैसे आपके यहाँ सिटी होते हैं वहां भी टैक्सेस, तो डैलिस डाल देता हूँ। इसके बाद स्टेट, स्टेट आपकी टैक्सेस है, और ये जिप कोड, जिप कोड आपका होता है, ठीक है ना, ये आपका एड्रेस का तरीका है वहां पे, ठीक है ना। बाकी फॉरन एड्रेस डिजिटल करेंसी में हमेशा आप नो करेंगे, ओके, अगर होगी तो यस करेंगे वरना डिजिटल कर। अब वो कहता है कि भाईजान मुझे ये बताओ कि ये तो है कि मैं जॉइंटली हो, ये आपका नाम, ये आपकी स्पाउस का नाम, ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि हस्बैंड का नाम ही ऊपर आए, वाइफ का नाम भी टैक्स पेयर में आ सकता है, ये आपको जब रिटर्न मिलेगा ना जो पिछले साल का, हमेशा जो आपका जो CPA होगा या जो होगा वो आपको जरूर बताएगा कि किस तरीके से आपने, या आपका दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइजर, वो आपको समझाऊंगा, ऑर्गेनाइजर क्या होता है, सवालनामा, जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपसे सवालात किए जाते हैं, तो यूएस के अंदर जो सवालात किए जाते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजर, ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजर नहीं दिया जाता, पिछले साल का रिटर्न पकड़ा दिया जाए, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ यही है, क्यों, उसके अंदर सारी चीजें मौजूद होती हैं, आगे जाके सिखाऊंगा तरीके, टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, ठीक है, ये भी सिखाऊंगा कि अगर पेनल्टी आ जाए, अगर लेट रिटर्न फाइल कर दिया जाए तो पेनल्टी किस तरीके से वेव करवाओगे, ये भी सिखाऊंगा, ठीक है, ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से इंस्टॉलमेंट प्लान लगाया जाता है, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास या आपके टैक्स पेयर के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान में क्या होता है पहले पैसे जमा करवाओ फिर रिटर्न फाइल करो, ठीक है, यूएस के अंदर ऐसा नहीं बोलते, रिटर्न फाइल करवा दो, पेमेंट प्लान बना दो, 6, 8, 6, 12, 16, 6, 12, 18 और 72 तक आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे आइए, ये भी सिखाऊंगा कि अगर, ये भी बताऊंगा कि अगर कोई आपका बैंक ड्राफ्ट हो रहा हो तो उसको किस तरीके से बचाएंगे, ये सारी चीजें आपको लॉजिक समझाऊंगा, ताकि आप जब मार्केट में जाएं तो आपको पता हो कि क्या क्या चीजें हैं, टैक्स प्रिपेयर नहीं बनाऊंगा, सीधा सीधा पूरा पूरा कोशिश करूंगा कि रिव्यूअर की तरफ लेके जाऊं, ताकि तेरे को अगर किसी को ईए करना है या CPA करना है तो उसकी एक बेसिक बनी हुई हो। आगे आ जाते हैं, अब यहाँ पे बच्चों की या डिपेंडेंट की डिटेल डालते हैं, बच्चे और सर डिपेंडेंट ये क्या है, देखे भैया अपना खून होता है वो बच्चे कहलाते हैं, लेकिन किसी को पाल रहे होते हो ना वो डिपेंडेंट कहलाता है, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, अपना खून होता है वो उसको बच्चे कहते हैं, अब अपना खून बीवी का हो या अपना हो, ठीक है ना, वहां तो बाजू का जहेज में भी लेके आती है ना वो, आप भी लेके आते हैं जहेज में, वो भी जहेज में लेके आती है, तो अपना खून हो या बीवी का खून हो, इसलिए मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे कि अपना खून हो या बीवी का खून हो तो चाइल्ड कहलाएगा, ठीक है, लेकिन किसी और को अगर पाल रहे हो तो उसे डिपेंडेंट कहते हैं, तो यूएस के अंदर किसी और को पालने के ऊपर 500 का क्रेडिट मिलता है, अपने बच्चे को पालने पे $2,000 का क्रेडिट मिलता है, ठीक है भैया, आगे जाके समझाऊंगा सबके यूएस के अंदर कितने सारे क्रेडिट हैं। तो मैं बोल देता हूँ भाई मेरे पास एक बच्चा है तलहा खान, ठीक है, इसका सोशल सिक्योरिटी नंबर डाल दिया, सिटीजन रिलेशनशिप विद यू सन है भाई मेरा, ठीक है, ये आप ये बताइए कि ये तो बिल्कुल भाई चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है, ओके बना दिया मैंने डन। अब आ जाइए नीचे, ये क्या है सर, ये सारा का सारा इनकम है,
ये सारा का सारा इनकम का पोर्शन है। ओके, ये यहाँ तक सब कुछ इनकम है, सही है, ये टैक्सेबल इनकम है। क्या क्या इनकम है? W2 का मतलब होता है सैलरी इनकम, ठीक है, घबराइएगा नहीं, पहली क्लास है, बहुत बहुत ज्यादा भारी लगेगा, ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतना हलवा है US टैक्स कि मैं आपकी सोच से भी ज्यादा, अगर किसी ने पाकिस्तानी टैक्स लिया हुआ है तो उसको पाकिस्तानी टैक्स से नफरत ना हो जाए 2.5 महीने बाद, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो ये सारे हैं, ये सारा इनकम के सेगमेंट है, ठीक है, ये सारे जो हैं वो आपके डिडक्शन के सेगमेंट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज डिडक्शन क्या होती है आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है, अभी समझाऊंगा ना तो सर से निकल जाएगी, बस स्टैंडर्ड डिडक्शन तक रखिएगा, आइटमाइज आगे आके बताऊंगा, ठीक है। आगे का मतलब ये नहीं है कि क्लास कोर्स खत्म होने के बाद बताऊंगा, सारी चीजें करवानी है, बतानी है, सिखानी है। यहाँ तक आ गया, ये टैक्सेबल इनकम आ गई, ठीक है, यहाँ पे टैक्सेस होते हैं, क्रेडिट्स होते हैं सारे, यहाँ पे जो आपने पे किया होता है या आपको क्रेडिट मिले होते हैं वो होते हैं, और यहाँ पे फिर आपका डिसाइड होता है कि रिफंड आएगा या ये। पाकिस्तान में क्या होता है, रिफंड आता है तो अप्लाई करते हैं ना, US के अंदर ऐसा नहीं है, US के अंदर रिफंड 22 दिन के अंदर आपके अकाउंट में मौजूद हो जाता है, वो कहता है भले आपने झूठ बोला है, भले आपने झूठ बोला, ये लो भाई हम इस चक्रों में नहीं पड़ रहे, ये लो आपका रिफंड आया, रिफंड लो, ये लो पैसे आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे या चेक आ जाएगा, लेकिन आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी, 2 मिनट के लिए इंटरनेट कनेक्शन खराब हुआ था, ठीक है, बारी वंडरफुल, सब बताऊंगा, सब आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के सवालात के सबके जवाब दूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है, अभी सारे सवालात अपने पास संभाल के रखिए, सब बताऊंगा, रिलैक्स। कहाँ गया जी 1040 जो हमने खोला हुआ था, ये आपको नजर आ रहा है 1040 की स्क्रीन? नहीं सर, नहीं नहीं नजर आ रहा? सर, जी, अब दोबारा आ जाएगी यार, क्या टेंशन है, अब आ गया नजर, जी हाँ यस, वंडरफुल, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें, ठीक है ना, तो US के अंदर क्या होता है कि आपको अगर पैसे जेब में नहीं है तो इंस्टॉलमेंट कर लो, रिटर्न सबमिट हो जाएगा, ठीक है, आपने अगर रिफंड आ गया, रिफंड आपके अकाउंट में 22 से तकरीबन 22 दिन या दो 4 से 5 हफ्ते लगते हैं, 4 से 5 हफ्ते के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने जिस दिन आपको पकड़ लिया, स्क्रूटनी कर ली, आप थल्ले लग गए, आपका काम हो गया, आपको पूरे की पूरी चीजें देनी है, तो ये है रिटर्न। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर इतना कॉम्प्लेक्स है, कोई इसकी समरी दे दो, कोई फॉर्मूला दे दो, बाकी US पाकिस्तान कोई भी बंदा अकाउंटिंग पढ़ाता है तो उसके अंदर भी एक फॉर्मूला होता है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, तो इसका भी कोई फॉर्मूला है? जी बिल्कुल, इसका भी फॉर्मूला है, ये लीजिए इसका फॉर्मूला, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इसका फॉर्मूला, नजर आ रहा है आपको, इंडिविजुअल इनकम टैक्स फॉर्मूला, कैन यू सी इट? बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल क्लियर है, आइए जरा इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, सबसे पहले होती है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम क्या होती है आगे जाके बताऊंगा, मिसाल के तौर तो आपकी सैलरी हो गई, आपका बिजनेस हो गया, आपकी रेंटल इनकम हो गई, आपकी कैपिटल गेन हो गया, ये सारी चीजें ग्रॉस इनकम क्या होता है, अभी अगली क्लास के अंदर ग्रॉस इनकम की पूरी लिस्ट बताऊंगा। इसके बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या होती है सर? देखिए US के अंदर कुछ चीजें हैं ना आपको बेनिफिट के तौर पर दी गई हैं, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट है उसकी भी एक लिस्ट बताऊंगा, तो क्या होता है कि ग्रॉस इनकम में से एडजस्टमेंट माइनस होती है तो एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आती है। अब इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन या आइटमाइज डिडक्शन, अब बताता हूँ स्टैंडर्ड डिडक्शन आइटमाइज डिडक्शन क्या होती है। देखें एक तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि मेरे भैया आपको मैंने एक लिमिट दे दी है जिसके अंदर मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, मिसाल के तौर पर आप सिंगल हो ना, ठीक है, 13,950 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो या आइटमाइज। आइटमाइज क्या होता है? आइटमाइज का मतलब होता है मेडिकल के खर्चे, नंबर वन मेडिकल का खर्चा, नंबर टू आपका प्रॉपर्टी जो आपके इनकम सेल टैक्स, पाकिस्तान में तो आप सेल टैक्स क्लेम नहीं कर सकते हैं, US के अंदर आप सेल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स या लोकल टैक्स, ठीक है, नंबर थ्री आपका मोर्टगेज, मोर्टगेज के ऊपर जो आपने घर लिया हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो, और नंबर फाइव आपने जो अल्लाह बला कर प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है वो, लोकल टैक्स एंड सेल टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स और कैजुअलिटी, ये 5 हेड है, आगे जाके वो पूरी डिटेल भी दूंगा। तो मिसाल के तौर पे मेरा
जो मेडिकल का खर्चा हुआ, लेट सपोज एक छोटी सी रहा है ना, एक्सेल की फाइल खोलता हूँ, अगर एक्सेल चल जाए ठीक है, चले एक्सेल से हटा के मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक मेडिकल का खर्चा मेरा आया $5,000, मैंने जो प्रॉपर्टी टैक्स दिया वो दिया $3,000, $8,000, और मैंने जो अपना जो मोर्टगेज के ऊपर घर लिया लिया हुआ है उस पे मैंने दे दिया $10,000, तो 8 और 10 $18,000 बन गया, ठीक है ना। अब पांचवा चौथा हेड मेरा हो गया कि कौन कौन सा हेड कवर हो गए, सर नंबर एक्सेल वन, शीट नहीं नजर आ रही। एक्सेल शीट मैंने नहीं बनाई है, मतलब एक्सेल शीट नहीं बनाई है, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, एक्सेल शीट के ऊपर आपको आगे जाके डिटेल में समझाऊं। पहला क्या था भाई, मेडिकल का खर्चा, मेडिकल का खर्चा $5,000 का है, ठीक है भैया सही है लिख लिया। प्रॉपर्टी टैक्स $2,000, $3,000, $8,000 हो गए, ठीक है। घर मैंने लिया हुआ है मोर्टगेज के ऊपर, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो $10,000, ठीक है सर $18,000। और अब जो मैंने जो सेल टैक्स या लोकलिटी टैक्स जो पे किया है वो मैंने पे किया $3,000, तो 18,000 प्लस 3,000 होगा $21,000। अब हम मैं $21,000 को $13,950 स्टैंडर्ड डिडक्शन से कंपेयर करूंगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या होता है, मेरे स्टेटस के हिसाब से मुझे एक अलाव हो जाएगी डिडक्शन, मेरे स्टेटस के हिसाब से मुझे डिडक्शन अलाव हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं सिंगल हूं तो ₹13,950 का गवर्नमेंट मुझे सीधा सीधा दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कह रहा है भाई रुको, अगर तुम्हारे पास ये पांच खर्चे अगर हैं, नंबर वन प्रॉपर मेडिकल के खर्चे, नंबर टू प्रॉपर्टी टैक्स या लोकलिटी, नंबर थ्री लोकलिटी टैक्स या स्टेट टैक्स, या नंबर फोर आपका जो घर अगर मोर्टगेज के ऊपर लिया हुआ उसका इंटरेस्ट, और नंबर फाइव कैजुअलिटीज वगैरह जो होते हैं, ये तो ना होने के बराबर होती है। कैजुअलिटीज मतलब जो आपके घर पे चोरी वोरी हो जाए, अगर ये पांचों चीजें मिला के आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा है तो आप इसको ले लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 13,950 ही माइनस करूंगा, मेरी ग्रॉस इनकम आई $1,00,000, एडजस्टमेंट मेरी आ गई $10,000 की। ये एडजस्टमेंट आइटमाइज डिडक्शन वाली नहीं है, ये एडजस्टमेंट कुछ और है, ये आपको तो डिटेल में समझाऊंगा, अभी समझ नहीं आया। तो ग्रॉस इनकम मेरी $1,00,000 है, $10,000 मेरी एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में से $1,00,000 में से $10,000 माइनस कर दिया तो बच गया मेरा $90,000। अब मैंने डिसाइड करेगा सिस्टम, आप नहीं करोगे, आप सिर्फ डेटा डाल देना है, सिस्टम बताएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई ये 13,950 क्यों नहीं आ रहा, 21,000 क्यों आ रहा। वो इसलिए आ रहा है कि सिस्टम ने बोला विच एवर इज हायर, स्टैंडर्ड डिडक्शन या आइटमाइज डिडक्शन, विच एवर इज हायर वो माइनस करूंगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जहां पर भी आइटमाइज डिडक्शन लोगे वहां पे ऑडिट खुल जाएगा, क्यों, क्योंकि वो कहेगा भाई आइटमाइज डिडक्शन क्लेम की ना, बोले हाँ क्लेम की, लास्ट स्लिप पे लाके दे दो, लाओ मेडिकल की सारी स्लिपें दो, लाओ मुझे प्रॉपर्टी टैक्स की स्लिपें दो, 6 साल तक जमा रखना, 6 साल के अंदर अंदर कभी भी पूछ लूंगा मैं, सबमिट नहीं करवानी, अपने पास जमा करके रखना है। तो लोग क्या करते हैं फिर, आइटमाइज डिडक्शन की तरफ नहीं जाते, स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन कुछ बुढ़े बुढ़े मैंने यूएस में देखे हैं, अल्लाह माफ करे, फाइलें बनाई हुई उन्होंने, क्योंकि उनके मेडिकल के खर्चे इतने होते हैं, एक बड़े में आ गए हमारे पास, अल्लाह माफ करे, उसने यकीन मानो इतना बड़ा आइटमाइज डिडक्शन निकाला कि मैंने बोला अंकल क्या है ये, बोलते भाई खर्चे मैं तो करूंगा क्लेम, मैं तो फाइल जमा करके रखता हूँ, मेरे पास तो 1980 से पड़ी हुई है फाइल। मैंने अंकल सलाम वालेकुम, आप रखो बेहतरीन नहीं, तो वो लोग आपसे आइटमाइज डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो ग्रॉस इनकम माइनस एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, ठीक है, उसमें से आप आइटमाइज या स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दीजिए। टैक्सेबल इनकम बिफोर क्यूबीआई, क्यूबीआई क्या है, क्यूबीआई का मतलब ये होता है कि ये भी गरीबों को बेचारे जो छोटे मोटे ताजिर जो हैं उनको एक 20% की एक डिडक्शन दी गई है, इसकी कैलकुलेशन आगे समझाऊंगा, वो माइनस कर देते हैं। अगर आपका सैलरीड पर्सन है तो क्यूबीआई नहीं आएगी, ग्रॉस इनकम में से एडजस्टमेंट माइनस होगी, अगर सैलरीड पर्सन है उसमें से एडजस्ट स्टैंडर्ड या आइटमाइज माइनस होगा। क्यूबीआई ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है, वो भी छोटे बिजनेसमैन जिनकी इनकम ज्यादा 1 से 1.25 लाख डॉलर के करीब होती है। टैक्सेबल इनकम आ गया, अब आप इसमें से माइनस करते हैं, अब आप इस पे लगाते हैं फेडरल टैक्स, फेडरल टैक्स में से क्रेडिट माइनस करते हैं, जो आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, यकीन माने जो हम कहते हैं ना कि पेंशन मिलती है, पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिलती, पूरे साल सेल्फ, पूरे जिंदगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये जिसे हम सोशल सिक्योरिटी टैक्स कहते हैं, वो पे किया जाता है। फिर इसके बाद आपका माइनस होता है विदहोल्डिंग, विदहोल्डिंग का मतलब ये है कि मेरी सैलरी इनकम थी, सैलरी इनकम में से सिर्फ और सिर्फ यूएस के अंदर तनख्वाह में से, बेचारा यूएस के अंदर भी तनख्वाहदार पर्सन मरता है उसकी तनख्वाह से इनकम विदहोल्ड होती है, बाकी यूएस के अंदर विदहोल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है,
यूएस के अंदर विद होल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कि बता दे, पाकिस्तान में तो ये होता है ना, इनवाइस दोगे तो भाईजान 1/5 हम सेल टैक्स काटेंगे, 15% हम ये काट लेंगे इनकम टैक्स। ये यूएस का तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ तनख्वाहदार बंदे से बेचारे से काटा जाता है टैक्स, इसके अलावा उससे टैक्स नहीं काटा जाता। अच्छा जी, पीपीटी शो कर रहा हूँ, ठीक है आ गया ये, ठीक है। इसके बाद आपका टैक्स ड्यू हो गया या रिफंड हो गया। अच्छा, यूएस के अंदर भी एस्टिमेटेड टैक्स पे करना होता है, एस्टिमेटेड का मतलब होता है एडवांस टैक्स, ठीक है। पाकिस्तान में तो बड़े मजे से कहते हो ना, पहला क्वार्टर कुछ भी पे कर दे, दूसरा क्वार्टर में कुछ भी पे कर दो, तीसरे क्वार्टर कोशिश करना, टैक्स कंसल्टेंट कहता है कोशिश करना सर कि चौथे क्वार्टर में 90% से ज्यादा ज्यादा पे कर देना। यूएस वाला ऐसा नहीं करता, वो बोलता भाई जान चारों क्वार्टर में इक्वली पे करोगे। अगर तुम कहोगे पहले क्वार्टर में पे कम किया, दूसरे में कम किया, तीसरे में कम किया, चौथे में भले 90 से ज्यादा कर दिया, लेकिन जो तुमने पहले दूसरे तीसरे क्वार्टर में मेरा पैसा रखा हुआ था ना, उस पर इंटरेस्ट पे करो। तो बड़ा कैटेगोरिकली आगे जाके ये सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, मुझे पता है अभी दिल के अंदर इतने सवालात उभर रहे होंगे कि मैं क्या कहूँ, कि बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा नो एक्सेल स्क्रीन। जी जी बिल्कुल जी, आवाज आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सारे मामला थे जनाबे वाला, अब मुझसे आप लोग बेशुमार जितने सवाल करने हैं करिए, मैं हाजिर हूँ आपके सामने, हाथ खड़े करते चले जाइए और मैं आपसे सवाल सुनता रहता हूँ। हाथ खड़े करते रहिए, जो दिल में सवाल आ रहा है ये ना सोचिएगा कि यार ये मैंने कैसा सवाल कर दिया है, हाथ खड़े करिए और सवाल करते जाइए। जी शाहदेव साहब, आपने सवाल किया है। जी सर, मुझे ये पूछना था, आपने बोला कि हम एक्सटेंशन ले सकते हैं टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने में 6 महीने की, लेकिन पे हमें टाइम पे ही करना है, तो बिल्कुल वो हम रिटर्न सबमिट करवाए बगैर कैसे हम देख सकते हैं कि कितना हमने पे करना है, क्या अमाउंट है पेएबल? बिल्कुल, ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जनाबे वाला, यही तो आपका काम है। ये बताइए, रिटर्न बना तो लिया ना, रिटर्न भले ही ना बनाया हो तो उसका एक लॉ होता है कि आपको 110% पिछले साल का पे कर दीजिए, पिछले साल की जो टैक्स लायबिलिटी है उसका 110% पे करिए, या तो करंट का 90% कीजिए, ठीक है ना। अगर 90% से ज्यादा निकल गए तो फट गए, लेकिन 110% में भी फर्क नहीं है। वो कहता है भाई आपको खुद कैलकुलेट करना है, भले रिटर्न 6 महीने बाद फाइल करो, ठीक है, लेकिन पे आज करो। और आप पे कैसे करेंगे, EFTPS के ऊपर आप जाएंगे और वहां पे जाके अपना टैक्स पे कर देंगे बगैर रिटर्न फाइल किए। अच्छा, नहीं तो उसमें मतलब अंदाजा से एक किस्म का हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने उसको कैलकुलेट ही कर लिया तो हमें फॉरन रिटर्न सबमिट करवा दो, उसमें क्या इशू आएगा नहीं जब नहीं हमने कोई कैलकुलेट? इशू नहीं है, बाज औकात ऐसा होता है कि उनको अपनी टैक्स लायबिलिटी पता होती है गोरों को, ठीक है ना, लेकिन वो कहते क्या है कि यार मैं थोड़ा अभी मैं चाहता हूँ। होता है ये यूएस के अंदर, पता है क्या होता है, बुक कीपिंग बहुत ज्यादा है ना उनकी, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये ज्यादातर लोग वो करते हैं, देखिए जिसे रिफंड चाहिए ना, वहां पे आपको जो नए ज्यादातर जो रिटर्न भरे जाएंगे ना, वो रिफंड के लिए भरे जाते हैं कि यार मेरा फटाफट 4-5 हफ्ते के अंदर रिफंड आ जाए। जैसे सैलरीड वाले पर्सन हो गए, छोटे बिजनेसमैन हो गए, ये तो टकाटक आपका है ना, इनको पता है कि यार हमारा रिफंड आएगा, ठीक है, तो ये तो भर देते हैं। लेकिन कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं उनकी बुक कीपिंग रुकी हुई होती है, या कंसल्टेंट बहुत ज्यादा बिजी होता है, ठीक है, तो वो ये कहता है कि अभी आपके टैक्स आप पे कर दो, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा और रिव्यू कर लूँ, चीजें कर लूँ। तो वो कंसल्टेंट ज्यादातर आपको इस हिसाब पे रख रहा होता है। ठीक, थैंक यू सो मच। वंडरफुल जी रिजवान साहब, लिखिए नहीं सब, मुझसे सवाल कीजिए, बात कीजिए मुझसे। जी रिजवान साहब, बात कीजिए मुझसे, आपने सवाल किया है कि रिटर्न के अंदर जरूरी है कि वाइफ हाउस वाइफ हो। नहीं भाई, ना हाउस हाउस वाइफ हो या जॉब करती हो, एनीबॉडी, अगर उससे आपकी शादी हुई हुई है, लीगल लेजिटिमेट शादी हुई हुई है ना भाई, तो वो जॉब करती है नहीं करती, आप जॉब करते हैं नहीं करते, दोनों ही जॉब नहीं करते, ठीक है ना, फिर भी रिटर्न फाइल हो जाएगा आप लोगों, और फिर जो बच्चे होंगे तो उस हिसाब से आपको टैक्स क्रेडिट मिलता रहेगा। नो माइक प्लीज, ये क्या है, नो माइक प्लीज। खैर, अच्छा, माइक नहीं है आपके पास, ओके ओके। जी अब्दुल हन्नान साहब, अस्सलामुअलैकुम, मेरा वसलाम। क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो हैं इन द फ्यूचर क्या क्या मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, और कैसे यील्ड फ्लो को लेकर चलेंगे, और क्या LLC फॉर्मेशन में, और क्या क्या टैक्स प्रिपेयर कैसे करेंगे, ये सारा कुछ इंक्लूड होगा इसके अंदर? नहीं, सिर्फ आपको किताब पढ़ा के भगा दूंगा। बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मॉड्यूल मैं बता अभी देता हूँ, आप दिखाया नहीं, तो वो इसलिए मैं पूछना मॉड्यूल चाह नहीं रहा हूँ। दिखाया, कौन सा मॉड्यूल नहीं दिखाया,
यानी कि हम एक एक कंप्लीट जो कोर्स है वो स्टार्ट कहाँ पे होगा एंड कहाँ पे होगा, और अगर इफ देयर इज एनी टेस्ट विल बी कंडक्टेड तो वो कैसे होगा? अच्छा देखिए, ये कोई एग्जाम तो है नहीं, ठीक है ना, ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का हमेशा याद रखिएगा, ट्रेनिंग में कुछ भी सिर्फ सिनेरियोस चलते हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट आपका इंडिविजुअल टैक्सेशन से होगा। इंडिविजुअल टैक्सेशन आपका तकरीबन 16 से 18 क्लासे लेता है, 16 से 17 क्लासे सबसे ज्यादा यही है, और पाकिस्तान में इंडिविजुअल टैक्सेशन के लोग मौजूद ही नहीं है, नंबर वन। फिर इसके बाद आपका एलएलसी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, जो आपका 6 से 8 क्लासे लेगा, जिसके अंदर आप एलएलसी बनाना, ठीक है। और 1040 के अंदर क्या क्या आप करेंगे? 1040 एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर क्रेडिट्स हैं, इसके अंदर डिडक्शंस हैं, इसके अंदर सिनेरियोज हैं। तो हम आपको हर उसके बाद, अभी तो आपको सिस्टम पे ऊपर लेके जाना है मैंने, कि आपको सिस्टम किस तरीके से, आप प्रो कनेक्ट का सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले खुद लॉग इन बनाएंगे। मैं कोई भी चीज आपको बना के नहीं दूंगा, मुझे आपको ट्रेड करना है फॉर फ्यूचर, ताकि आप दूसरों को बता सकें, काम कर सकें। तो आपको यहाँ पे प्रो कनेक्ट का अकाउंट बताया जाएगा, किस तरीके से बनेगा, हम पूरा सॉफ्टवेयर प्रो कनेक्ट का करेंगे। और फिर आपको छोटे छोटे रिटर्न से, बिजनेस रिटर्न, जॉब के रिटर्न, प्रॉपर्टी के रिटर्न से स्टार्ट किया जाएगा, और आपको सिनेरियोज वो दिए जाएंगे, ताकि आप घर पे बैठ के सिस्टम के ऊपर अपने लॉग इन आईडी पासवर्ड से उसको बना सके। तो पहले तो आपका 1040 होगा पूरा, फिर इसके बाद आपका एलएलसी फॉर्मेशन होगा। एलएलसी फॉर्मेशन के बाद फिर आपका उसके अंदर ईआईएन, एलएलसी फॉर्मेशन के ईआईएन होता है, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है 23 स्टेट के अंदर, ठीक है ना। फिर बैंक बनाना सिखाया जाएगा, वाइस और पियोनियर का, स्ट्राइप बनाना सिखाया जाएगा, आईटीआईएन बनाना सिखाया जाएगा। फिर इसके बाद आपका बिजनेस टैक्सेशन की तरफ चले जाएंगे। बिजनेस टैक्सेशन बहुत छोटा है, 6 से 8 क्लासे होती है, ठीक है। तो उसके अंदर 1065 का रिटर्न किस तरीके से बनेगा, 1120S का रिटर्न किस तरीके से बनेगा, 1120 का रिटर्न किस तरीके से बनेगा, जो ये सारी चीजें आपकी 28 से 30 क्लासों के अंदर आपका खत्म होगा ये। और ये आप सारा का सारा अपने सिस्टम के ऊपर बनाएंगे, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, सिनेरियो दे दूंगा, आप उस सिनेरियो को अपने सिस्टम के ऊपर खुद बना रहे होंगे। कोई थैंक यू। भी चीज इसके अंदर किताब नहीं, किताबी नहीं होगी, ठीक है। सारी चीजें आपके प्रैक्टिकल बेस की होगा। किताब मैं एडवांस में नहीं देता, क्यों? क्योंकि मैं आपको समंदर में पहले तैरना तो सिखाऊं, अगर मैं किताब पकड़ा दूंगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, और फिर आप बैठे हुए रहेंगे। किताब देने में मुझे कोई मसला नहीं है, 2 मिनट की बात है, लेकिन मैं किताब नहीं देता, मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है जी। उमर साहब, सर मेरा सवाल ये है कि अगर मेरा इनकम 10,000 से नीचे है या 5,000 है सालाना, तो क्या मुझे अपना टैक्स फाइल करना है? क्योंकि इसके ऊपर जो आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, वो कितने साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? टैक्स क्रेडिट तो कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? अगर लॉस होगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना, क्रेडिट तो उसी वक्त आपका रिफंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका रिफंडेबल क्रेडिट होगा तो उसी साल आपको मिल जाएगा, नॉन रिफंडेबल होगा तो खत्म हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं आपको। ये कितना मिलेगा ये आगे जाके आपको पता चलेगा, अब कैलकुलेशन करने के बाद पूरा। और अगर आपका आपका अगर कोई बिजनेस है और वो बिजनेस बिल्कुल बंद पड़ा है, आपने कोई उसमें कोई ट्रेड ही नहीं किया, तब भी आप उसको फाइल करना होगा? बिल्कुल आपको रिटर्न फाइल करना होगा, क्योंकि आपकी एलएलसी जो है वो आप हाँ अपना तो ब्लैंक हो ना, तुम लोग आवाज नहीं ना, एक मिनट रुकिएगा, जो सवाल चल रहे हो तुम्हें आवाज नहीं आ रही। सवाल कीजिएगा दोबारा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आपका एलएलसी है और वो ऑपरेशनल नहीं है, आपने एलएलसी बना दी एक लेकिन मिनट एक साल रुकिएगा, में उसमें कोई ट्रेड एक नहीं मिनट हुआ, रुकिए, एक एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी, अब बोलिए, सॉरी, माजरा था, आप बोलिए। तब तो अगर आपकी एलएलसी नॉन ऑपरेशनल है तभी भी आपको फाइलिंग करनी है? नहीं, अगर आप यूएस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो नहीं फाइलिंग करनी, स्टेट की फाइलिंग करनी है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसी कहती हैं कि आपकी अगर एलएलसी मेरी स्टेट के अंदर मौजूद है तो रिपोर्ट फाइल कर दो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, आप किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, यूएस या पाकिस्तान, मुझे पहले ये बताइए। पाकिस्तान से यूएस एलएलसी बनी यूएस यूएस के पर्सपेक्टिव हाँ में, अगर आप यूएस के पर्सपेक्टिव, जी जी बोलिए। एलएलसी मतलब मैं, मेरी कंपनी है, मैंने यूएस में बनाई है, नहीं, लेकिन एक पाकिस्तान साल से से वो बनाई है ना चली भाई, नहीं। एक मिनट, हाँ पाकिस्तान से बनाई है ना, मैं इसी पर्सपेक्टिव में हाँ आपसे बात कर नॉन रहा हूँ रेजिडेंट बिल्कुल। जी। अगर नॉन रेजिडेंट है, सिंगल मेंबर एलएलसी है, तो यूएस सिटीजन अगर होगा ना, तो उसके लिए भाई ये सवाल ये है कि अगर आपका यूएस के अंदर हमने एलएलसी बनाई है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से अगर एलएलसी बनाई है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और वो ऑपरेशनल नहीं है, तो जनाबे वाला वो अगर ऑपरेशनल नहीं है वो एलएलसी है,
तो उसका ये ट्रीटमेंट होगा कि आपके अगर यूएस सिटीजन है तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं, उसको सिर्फ स्टेट की फाइलिंग करनी है अगर स्टेट रिपोर्ट फाइल करने का कहती है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से बनाई है तो आप अगर इनकम नहीं कमा रहे और वो सिंगल मेंबर एलएलसी है तो आपको 1120 के साथ 5472 भरना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इनकम कमा रहे हैं और सिंगल मेंबर एलएलसी है तो 1120 के साथ 5472 भी भरेंगे और 1040 एनआर भी भरेंगे आप, अगर आपकी इनकम है, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म है और उसने अगर कुछ भी नहीं किया तो आपको कोई रिटर्न फाइल नहीं करना, इंफॉर्मेशनल भी रिटर्न फाइल नहीं करना। लेकिन अगर पार्टनरशिप रिटर्न है और आपने कुछ इनकम कमाई है तो पार्टनरशिप का 1065 का रिटर्न भी फाइल होगा और दोनों पार्टनर अगर दो पार्ट है तो उनका 1040 एनआर भी फाइल होगा। ये है, आगे जाके ये भी आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। हो गया सवाल? थैंक यू। वंडरफुल जी। रिजवान साहब, रिजवान साहब एक दफा सवाल कीजिए जनाबे वाला, जो भी है प्लीज एक एक दफा कर लें ताकि आपको। इफ अ पर्सन इज डूइंग रेगुलर जॉब बट ऑन पार्ट टाइम ही इज डिलीवरिंग अमेजोन पार्सल, विल बोर्ड कन्वर्ट इज सेल? नो, बिजनेस की इनकम स्केड्यूल सी में जाएगी। ये आपको सिखाऊंगा कि एक बंदा है वो सुबह में जॉब करता है, जॉब करता है तो वो W2 लेगा, उसकी इनकम W2 में रिपोर्ट होगी, और अगर वो बिजनेस करता है तो उसकी इनकम स्केड्यूल सी में रिपोर्ट होगी। अगर उसने रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है तो स्केड्यूल ई में रिपोर्ट होगी। ये आगे जाके स्केड्यूल के काम बताऊंगा कि किस तरीके से कौन से स्केड्यूल में वो रिपोर्टिंग होगी। जी शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, बताओ। मेरा सवाल उमर साहब के सवाल से मिलता जुलता है कि इसी तरह जितना एलएलसी पाकिस्तान से आप खोज कर रहे हैं, तो आईटीआईएन भी अगर आपने बनवा लिया है तो उसकी फाइलिंग का क्या प्रोसेस? अगर आपने आईटीआईएन बनवा लिया तो उसकी फाइलिंग के दो तरीके हैं, या तो आप सॉफ्टवेयर से कीजिए टर्बो टैक्स से, लेकिन टर्बो टैक्स नहीं देता, लेकिन अब पाकिस्तान से जो है वो मैनुअल ही होगी। आपको प्रो कनेक्ट के ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे जाके किस तरीके से आपकी फाइलिंग होगी, लेकिन आपको 1120 के साथ 5472 तो फाइल करना है अगर सिंगल मेंबर एलएलसी है, वो फैक्स हो जाता है। 1040 एनआर प्रो कनेक्ट के ऊपर बनाइए, पूरा बना लीजिए और उसी की कॉपी आप मैनुअल बना लीजिए और उसको टीसीएस करवा दीजिए उसके आधार, तो ये आपकी एक्सेप्टेबल है। समझे? दोबारा समझाऊं? बहुत तेजी में बोल गया। नहीं, सर समझ आ गई। जी दानियाल मारफानी साहब, सलामुअलैकुम सर, मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में एक कैलेंडर ईयर होता है जुलाई टू जून, जी और पाकिस्तानी टैक्स एंड आफ्टर डेट पोर्टल खुलता है टिल सितंबर, तो बिल्कुल सही है। आपने बताया कि 15 अप्रैल इज द लास्ट डेट, तो ये 15 अप्रैल तक तो हमें फाइल कर देना होगा रिटर्न, तो पोर्टल कब से एक्सेसिबल हो जाता है फॉर फाइलिंग? जी ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो कैलेंडर ईयर पाकिस्तान में है वो जुलाई से जून है, तो यूएस के अंदर कैलेंडर ईयर क्या है और पोर्टल कब खुलता है यूएस का? तो यूएस के अंदर जो कैलेंडर ईयर है वो जनवरी से दिसंबर है और पोर्टल 23 जनवरी को खुल जाता है, ठीक है। अभी 18 नवंबर को बंद कर दिया जाएगा, जैसे अभी नोटिसेस आ चुके हैं, 18 नवंबर से 23 जनवरी तक यूएस के अंदर कोई भी रिटर्न सबमिट नहीं होगा, ई फाइल नहीं होगा, रिटर्न उनका सर्वर बंद हो चुका है। 23 जनवरी से 24 जनवरी के दरमियान वो खोलते हैं और फिर ये रहता है नवंबर तक ओपन रहता है ये, तो 23 जनवरी से आपको अप्रैल तक फाइल करना होगा इंडिविजुअल रिटर्न, और जो कंपनीज का रिटर्न होता है वो आपको मार्च तक फाइल करना होता है, 15 मार्च। दैट्स वाई टाइमलाइन बहुत कम होती है, दैट्स वाई 6 महीने की एक्सटेंशन दी जाती है। और कोई सवाल जी? आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस यार। सर एक चीज़ और बताइएगा, जैसे उमर साहब ने सवाल किया था कि एक कंपनी मेरे पास 2 या 3 साल से एलएलसी होल्ड है, 2 साल मैंने उस पर काम नहीं किया, थर्ड ईयर मैं उसको बिजनेस करता हूँ, तो ये जो 2 साल के हम ऑलरेडी फाइलिंग में डिले हो चुके हैं, तो इसका क्या प्रोसेस चलेगा? फाइलिंग में डिले हो चुका है, अगर इनकम कमाई थी आपने, इनकम कमाई थी नहीं कमाई थी? नहीं, इनकम नहीं कमाई। देखे जी इनकम कमाई थी तो भाईजान 1120। अच्छा ये क्या सिंगल मेंबर एलएलसी है मल्टी मेंबर एलएलसी है? सिंगल मेंबर है लेकिन 2 साल होल्ड हो गए हैं, लेकिन काम नहीं किया, और अब काम कर रहे हैं, बिल्कुल, आप तो कर रहे आप हैं। बड़ा सुन लीजिए, और यूएस सिटीजन के नॉन यूएस ये कह रहे हैं कि हमने 3 साल से एलएलसी बनाई हुई है, 2 साल काम नहीं किया, 1 साल काम किया, और दो दो सालों में रिटर्न भी फाइल नहीं किया, तो क्या करेंगे? तो भाईजान आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने 25,000 पेनल्टी का अपने सर के ऊपर टोपी पहन चुके हैं। क्यों बताता हूँ, यूएस सिटीजन अगर सिंगल मेंबर एलएलसी बनाएगा, रिटर्न फाइल नहीं करेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सिंगल मेंबर एलएलसी कोई नॉन यूएस सिटीजन बनाएगा तो उसको 3 रिटर्न फाइल करने, अगर इनकम कमाएगा तो 3, नहीं कमाएगा तो 2 तो फाइल करने, 1120 के साथ 5472। अगर 1120 के साथ 5472 नहीं आप अगर फाइल करेंगे तो आपको $25,000 की पेनल्टी पे करनी है, जाके आपको बोले तो मैं आपको लॉ भेज दूंगा, आगे जाके पढ़ाऊंगा अभी। तो मेरी बात यह है कि आपको कोशिश कीजिए कि आप इस एलएलसी को बंद कर दीजिए,
ठीक है, नई एलएलसी बना लीजिए, बड़ी आराम से बन जाती है, उसी नाम से किसी और स्टेट में बना लीजिए, और दूसरा ईआईएन बना लीजिए, क्योंकि दूसरे जैसे ही एड्रेस चेंज होता है ना, एड्रेस जैसे ही चेंज होता है तो आईआरएस का सिस्टम इसको ट्रैक नहीं कर पाता। अगर आपको दो ईआईएन बनाने हैं ना किसी भी चीज के, तो आगे जाके समझाऊंगा कि एक मिसाल के तौर पर कंपनी एक स्टेट के अंदर सलीम एसोसिएट और उसका एड्रेस है ABCD, उसका ईआईएन अप्लाई कर दो दे देगा। दूसरी स्टेट के अंदर सलीम एसोसिएट बनाओ, एड्रेस चेंज करो, वो उसका सिस्टम सारे पैरामीटर्स को देखता है, अगर ये सेम है तो डुप्लीकेट नहीं बनाएगा, अगर इस पे तो कोई भी चीज चेंज हो जाएगी ना, एड्रेस तक चेंज हो जाएगा, वो नया ईआईएन बनाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नया ईआईएन बनवा लीजिए, नई कंपनी बनवा लीजिए, उसको चलाइए, वरना आपको फ्यूचर में कभी भी पेनल्टी लग सकती है। बहुत शुक्रिया सर, जी सैयद हसनैन आपको साहब, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे सर, सलाम। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि कोर्स के हवाले से, आप कहना कि हम पूरा कोर्स आपका करते हैं, करने के बाद इसका हमारा फ्यूचर कैरियर क्या होगा, इसके लिए हमें आगे कोई और कोर्स भी स्पेशलाइजेशन को डिग्री लेनी पड़ेगी, या इसकी बेस पे ही हम टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, बस या ये देखें, क्वेश्चन। मैं आपको, जब मैंने टैक्स कंसल्टेंट बना ना, तो मैं बुक कीपर से शुरू हुआ था। ये बोल रहे हैं कि इस कोर्स को करने के बाद कोई स्पेशलाइज डिग्री लेनी होगी हमें या नहीं लेनी होगी। तो मजे की बात आपको बताता हूँ यार, कि जब मैं बना ना, तो आज तक बिलीव मी टिल टुडे मुझसे आज तक मेरी क्वालिफिकेशन किसी ने नहीं पूछी। वाई? इसकी वजह ये होती है कि इसकी वजह ये है कि यूएस के अंदर वो अब स्किल के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। आप जाके देख लीजिए टैक्स प्रिपेयरर की अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन जाके देख लीजिए, वहां पे टैक्स प्रिपेयरर के लिए क्वालिफिकेशन नहीं मांगते, सीपीए ये रिव्यू के लिए मांगते हैं। तो अगर आप अपवर्क, फाइवर और लिंक्डइन के ऊपर, और आप इंडिविजुअल केस जब आप फाइल करते हैं, तो आप यूएस टैक्स प्रिपेयरर भी लिख देते हैं, तो उसके ऊपर आप काम कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको क्या स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, देखिए प्लीज, आप सबके लिए एक स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप बी टू सी डायरेक्ट कस्टमर की तरफ जाएंगे ना, इतना टाइम लगेगा, बनेगा कस्टमर लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है ना, कन्वेंस करना होगा। मैंने अपने लिए जिंदगी में B2B की स्ट्रेटेजी अपनाई है। सीपीए फर्म्स आपको इजीली हायर करती हैं, एक सीपीए फर्म भी मिल गए, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं इन सबको मैंने यही ट्रेन किया कि ट्राई टू ग्रैब द सीपीए फर्म, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसिंग यू, और आपका लिंक्डइन, इन सब के ऊपर आपको सीपीएस पड़े हुए हैं जिनकी अपनी कंपनीज हैं। यहाँ से अभी देखिएगा नवंबर दिसंबर के अंदर कितने आप लोगों को सीपीएस मिलेंगे जो कि हायर करना चाहेंगे, ठीक है। तो आप इस कोर्स को करने के बाद, मुझे किसी ने बिलीव भी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे किसी एक बच्चे ने, कसम खुदा की इतनी बड़ी कसम खा रहा हूँ, एक बच्चे ने ये नहीं आके कहा कि सर वो सीपीए और ईए मांग रहे हैं हमें जॉब के लिए, ठीक है, तो सीपीए और ईए मांग रहे हैं हमें जॉब के लिए, तो ऐसा मुझे किसी ने नहीं कहा। तो हाँ, अगर आप इसके बाद अगर करना चाहें तो आप ईए कर लीजिए, और ईए पाकिस्तान में होता नहीं है, और ये बहुत सिंपल सी डिग्री है आयरिस की, वहाँ आपको जापान, यूएस, कनाडा, कोरिया, इंडिया या यहाँ जाना पड़ेगा आपको करने के लिए, अगर आप जाना चाहते हैं तो। जी फुरकान साहब, ये बताएं कि इमरान खालिद साहब। जी, ये जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी एज जो 65 अबव हो जाती है, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है फाइलिंग करने की? सर यही रिक्वायरमेंट है, बस उनके लिए $2,000-4,000 है ना स्टैंडर्ड डिडक्शन में ऐड हो जाते हैं बस। मिसाल के तौर पर अगर एक सिंगल बंदा है 13,950 है, तो 65 साल वाले के लिए $2,000 या $2,500 एक्स्ट्रा है, कि वो 13,950 में नहीं करेगा, शायद 16,000 के ऊपर जाके करेगा, लेकिन उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देगा। राइट जी जनाबे वाला, बस चले, और कोई क्वेश्चन है बिल्कुल कीजिए, पोर्टल के जी। ऊपर लग जाएगा। हाँ बताइए। अच्छा, अब आपको कुछ मैं टूल बता देता हूँ, वो टूल पहली फुर्सत में परचेज नहीं करने, ले लीजिए, आपको काम आएंगे। पहले तो आप लोगों के पास लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको एनीडेक्स यूज करने आना चाहिए, एनीडेक्स जाके सीख लीजिए किस तरीके से आप यूज करेंगे, क्योंकि आपको जो सीपीएफ फॉर्म्स और डिफरेंट फॉर्म देंगी वो एनीडेक्स के थ्रू ही काम देगी। तीसरा, आपके पास एक यूएस का नंबर होना चाहिए, वो इसलिए कि आपका प्रो कनेक्ट का अकाउंट उस पर बनेगा, ट्रांसफर वाइज का अकाउंट उस पर बनेगा, और फ्यूचर के अंदर अपने कस्टमर से बात करने के लिए आपको यूएस का नंबर सिर्फ अभी व्हाट्सएप के लिए ले लीजिए। अगर आप सस्ता चाहते हैं तो 650-620 रुपये पर मंथ में आपको मैजिक ऐप दे देगी, 620 रुपये पर मंथ के ऊपर। और आप चाहते हैं कि पूरे साल का लेना चाहते हैं, तो आपको VYKEY, ये दोनों प्ले स्टोर पे हैं, आप जाके कोई भी यूएस की किसी भी स्टेट का नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिए, इस पे आराम से अपना व्हाट्सएप बनाइएगा, ताकि आप अपने कस्टमर से डिस्कस कर सके, डील कर सके, बात कर सके, ये सारे काम। और बाकी आगे जाके आपको एक कोको फैक्स खरीदना होगा,
वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब एलएलसी फॉर्मेशन। लेकिन ये दो तीन चीजें आप जरूर ले लीजिए ताकि आप आराम से अपना ट्रांसफर वाइज का अकाउंट भी बना सके और ये सारी चीजें कर सके। बट ये जो नंबर है सीवेट नंबर कहाँ से मिलेगा सर, कोई इंफॉर्मेशन या जी कोई बताता हूँ चीज अगर आप। जी, फिजिकल जो सिम होती है वो? भाई फिजिकल सिम की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, यूएस की अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके। जी परचेज जी करनी होगी कोई वेबसाइट है? बता रहा हूँ, आप यूएस का नंबर कैसे परचेज करेंगे बता देता हूँ। प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाने के बाद मैं एक वीडियो छोटी सी है ना बना के आपको भेज भी दूंगा, चलो ग्रुप के अंदर, सही है, ये बेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, मैडम बुशरा कह रही है कि सर एज यू सेड द होल सिस्टम इज बेस्ड ऑन फेडरल स्टेट, व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस बताया तो था मैंने, दोबारा बताता हूँ, फेडरल और स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। फेडरल का मतलब होता है सेंट्रलाइज, जो कि इनकी आर्मी डील करती है या जो उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं जिसे हम आयरिस कहते हैं, ठीक है ना, उसे फेडरल कहा जाता है, फेडरल टैक्स कहा जाता है। और जो स्टेट्स होती है जैसे हम पाकिस्तान में जैसे सूबे होते हैं, सूबे की गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो वो स्टेट टैक्स होता है, तो वो स्टेट लेती है, दोनों टैक्स लेती है और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको देना कंपलसरी है, जिस स्टेट में रहते हैं आपको दे, वरना आपका जो है पासपोर्ट जब्त कर दिया जाएगा। यूएस के अंदर अगर 59,000 से ज्यादा की अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है तो आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है जी अब्दुल हनान साहब फरमाइए। जी, जिस तरह अभी एक भाई ने फरमाया था अबाउट ITN और LLC 2 साल से उनकी पेंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने स्टेट में अपनी फाइलिंग की और जब फाइलिंग टाइम आया फेडरल का और उसने फाइल नहीं की, तो उसका क्या प्रोसीजर है? अब उसमें अब जो पेनल्टी आप कह रहे थे वो फेडरल के फेडरल के एम्बिट पेनल्टी। में, फेडरल के एम्बिट में भी है। और ये कह रहे हैं कि एक बंदे ने स्टेट की फाइलिंग कर ली, फेडरल की फाइलिंग नहीं करी, उस सूरत में क्या होगा? ऐसा ही है। देखे जी, यही यही जनाब ये आला, फेडरल तो 1 से 2 साल में आपको उड़ा देगा। अगर आप कुछ कुछ स्टेट तो एक ही साल में उड़ा देती है, वो कह देती है क्या कहते हैं, इनएक्टिव, इनएक्टिव कर देंगी स्टेट, आपको लिखा हुआ आ जाएगा आपकी कंपनी इनएक्टिव है। और माशाल्लाह अगर आप 3 साल तक ना फाइलिंग करें तो आपका नाम किसी और को दे दिया जाएगा। कुछ कुछ स्टेट इसकी स्ट्रिक्ट है। तो जो नहीं, मैं जो एक साल आपको हुआ है जिसका जिसका 1 साल हुआ है, बाकी फाइलिंग हुई है लेकिन स्टेट की फाइलिंग हुई है लेकिन फेडरल की एनुअल नहीं हुई फाइलिंग नहीं ना, हुई। तो नो फिर या फेडरल की टैक्स लगेगा आपको 1120 का, 5472 फेडरल की पेनल्टी है वो। अच्छा, 5 4 यानी कि फेडरल की पेनल्टी 25,000। लॉजिक बता देता हूँ। पाकिस्तान से एक एलएलसी बनाई यूएस के अंदर, ठीक है। अब एलएलसी बनाई मैंने नवंबर में, तो अब जरा सुनिएगा, जब आपने 31 दिसंबर जैसे ही खत्म होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 31 दिसंबर से पहले पहले बना ली एलएलसी, अगर 31 दिसंबर को भी एलएलसी बनवा ली और आ गया माम, तो आपको रिटर्न फाइल करना है 15 अप्रैल तक। ये नाम लिख लीजिए, भले एक दिन का भी रेवेन्यू नहीं कमाया। नील की फाइलिंग अगर सिंगल मेंबर एलएलसी है तो 1120 के साथ 5472 फाइल करना होगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो कोई रिटर्न फाइल नहीं करना, 1120 है तो फिर भी रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। ये तीनों किस्में आपको मिलती हैं। लेकिन आप स्टेट की फाइलिंग सर कब करें, ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। मिसाल के तौर पर वायोमिंग में अगर कंपनी बनाई है ना, तो वो कहती है 31 दिसंबर को अगर मेरे पे रजिस्टर्ड हुए ना, तो अगले साल 31 दिसंबर को रिटर्न फाइल करना। लेकिन फ्लोरिडा क्या कहता है, फ्लोरिडा कहता है 31 दिसंबर से पहले कभी भी बना ली कंपनी, 31 मार्च से पहले पहले मेरे पास रिटर्न फाइल करना, इसका मतलब 3 महीने में करना होगा। डेलीवर कहता है भाईजान कभी भी एलएलसी बनाओ, मिसाल के तौर पर तुमने 30 जून को एलएलसी बना ली, मिसाल के तौर पर 30 जून, हाँ 29 जून को एलएलसी बना ली, डेलीवर कहता है 30 जून को मेरे पे फाइलिंग करो, मिसाल के तौर पर ये। फ्लोरिडा कहता है 31 मार्च से करो, इसका मतलब 30 मार्च को अगर एलएलसी बना ली तो फ्लोरिडा कह रहा है कि अगले दिन मेरे पास दोबारा फाइलिंग करना। तो ये भी आपको जाके समझाऊंगा कि वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे आपने मंथली फाइलिंग करनी होगा। मैम तो हमारा तो क्योंकि स्टेट तो यहाँ पे एलएलसी का, तो स्टेट का रिटर्न जो है वो ऑटो बनता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो क्योंकि जब फेडरल की आप फाइलिंग कर रहे होते हैं तो स्टेट की फाइलिंग उसके बैक एंड पे ऑटो बन रही होती है, ठीक है। लेकिन जो आप कह रहे हैं जो पाकिस्तान से एलएलसी जो होती है उसकी स्टेट की फाइलिंग जो होती है वो मैनुअल हो रही होती है, और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, वो सिंपल जीरो की होती है। कहाँ की होती है? वायोमिंग की होती है, फ्लोरिडा की होती है, टेक्सिस की होती है। वो सिंपल आप अगर अपना रिटर्न किसी कंपनी से फाइल करवा रहे हैं, जैसे ई फाइल, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनरशिप का रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, उसके साथ तो बैकएंड ऑटोमेटिकली, तो जो सिस्टम है फेडरल के रिटर्न के साथ बैकएंड के ऊपर स्टेट का रिटर्न बन रहा होता है। तो परेशान ना होइए अगर कोई कहता है ना मैं स्टेट का रिटर्न भी सिखा रहा हूँ फेडरल भी सिखा रहा हूँ, बोल के खाक सिखा रहे हो, दोनों तो एक सा ही बनता है।
तो ये सारी चीजें जनाब यार। अनान साहब समझ आया आप सबको? वैसे समझ आ रहा है, मैं बड़ी तेजी तेजी से बोलता जी हूँ, जी जी स्पीड बड़ी तेज होती है, लेकिन सबको समझ आ रहा है, मसला तो नहीं है। जी सर, एक और इसके साथ ही क्वेश्चन आता है नहीं, अब वो मैं बार बार नहीं लूंगा अनान साहब, ये गलत है, आप सर एक साथ पूछें। एक, अच्छा बताइए हाँ बताइए। इसके साथ ही आएगा IDIN, और अगर सेमी सिंगल मेंबर LLC है तो इन दोनों का भी मेरे ख्याल से साथ ही फाइल होता है फेडरल में, एनुअल रिटर्न्स दोनों के साथ ही जाएंगे। जी बिल्कुल, देखें अब यार आप आगे की चीजें पूछो, बता देता हूँ। एक बंदा एक बार बताओ ना, नवंबर में एलएलसी बना दी, 1 महीने का रेवेन्यू भी कमा दिया $1 लाख मिसाल के तौर पर, अब ITI तो बना हुआ नहीं है, फाइल कैसे करोगे रिटर्न? सही कह रहे हो गलत कह रहा हूँ? बगैर ITI तो रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि जितनी भी LLCs बननी है सारी, यानी पेनल्टी पड़ रही है सबको। नो, नहीं भाई, ITIN मैं वो भी सिखाऊंगा कि एक साथ ITIN भी बन जाएगा, रिटर्न भी फाइल हो जाएगा। आगे जाने दो, पार्टी बहुत आगे है। चलें ठीक है, चलें ठीक, थैंक यू। वो भी सिखाऊंगा कि भाईजान आपका ITIN नहीं है, सर ITIN नहीं है, क्या करूं? तो क्या करूं? तो वो भी सिखा दूंगा भाई कि ITIN के बगैर भी रिटर्न कैसे फाइल होगा। मतलब मैं कोई तुरम खान नहीं हूँ भाई, लॉ है ये, ठीक है ना? तो ITIN के बगैर रिटर्न फाइल नहीं होता, लेकिन उसके लिए एक फॉर्म जाता है कि एक साथ ITIN भी अप्लाई हो जाता है और रिटर्न भी एक्सेप्ट हो जाता है। ये भी आपको एक पार्ट में सिखाऊंगा। इवन कि मैंने अपने लिंक्डइन के ऊपर, कोई मेरे लिंक्डइन से मेरे साथ कनेक्ट है, तो 2-3 दिन पहले मैंने ये सोल्यूशन लगाया था मैंने लिंक्डइन के ऊपर। अगर कोई मेरे लिंक्डइन पे जाके देख ले तो उसको सोल्यूशन मिल जाएगा कि अगर ITIN नहीं है तो क्या करना चाहिए। अच्छा जी, मैडम बुशरा ने सवाल किया। मैडम बुशरा मुझसे बात कीजिए प्लीज। LLC वुड ओनली वर्क ऑन B2B और वी कैन चेंज? नहीं, LLC कैन वर्क एनीबॉडी, कहीं भी शेयर कर सकती है, इसमें क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम वाज साहब जी, माजी साहब, सर, मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ कॉमर्स और फाइनेंस का। ठीक है। तो अब अर्ज मेरी यह है कि ये जो कोर्स मैंने चूज किया है ऑब्वियसली मेरी फील्ड के साथ भी ताल्लुक रखता है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ आगे जाने से पहले कि इसका मेरे फ्यूचर में एज अ पार्ट टाइम इसे मैं चला सकता हूँ, या ये मुझे फुल टाइम 100% इसको एफर्ट देनी पड़ेगी अगर मैं इसे एज अ कैरियर अपने लिए सिलेक्ट करता हूँ, या टेक्स फॉर जो आप पढ़ा रहे हैं। मैंने जब शुक्रिया। काम शुरू किया था तो मैं जॉब के साथ करता था ये। मैं जब काम करता था ना, मैं जॉब के साथ जी जी करता ठीक था, ठीक है ना? है तो ठीक है जॉब के साथ काम करता था, फिर काम करने के साथ आप इजीली इसको सिर्फ और सिर्फ भाईजान $15 पर आवर मिलता है। कितना मिलता है? पंद्रह पंद्रह डॉलर ठीक पर आवर शुरू शुरू में मेहनत जरूर करनी पड़ेगी एक CPA फॉर्म लेने के लिए। डेली बेस के ऊपर रात को आपको बैठना पड़ेगा 4 से 5 घंटे, अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर कैसे? CPA से कनेक्ट हो गए, एक CPA फॉर्म मिल गई, ठीक है? वो आपको बोलेगी भाई मुझे हफ्ते के अंदर 40 घंटे चाहिए आपसे, तो 40 घंटे बता दो कितने होते हैं, पर डे कितना होता है? 4 से 5 घंटे बस। पंद्रह बिल्कुल डॉलर अब $15 मल्टीप्लाई बाय 5 लगाइए, कितने हो गए पर डे? 75 75 पाकिस्तानी कितने हो गए? तकरीबन 18,000 रुपये, ठीक है ना? तो ये आपका होता है, और आपको बिल्कुल आवाज भी, ब्रेक। जी आपको आपको बिल्कुल भी ये बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ना कुछ मेरे दोस्त भी बैठे हैं ना यहाँ पे सारे हमारे, तो जनाब इसलिए उनको भी बताना पड़ता। तो ये साहब कह रहे हैं कि सर मैं एक लेक्चरार हूँ, क्या मैं फुल टाइम अपने इसके ऊपर दूँ टाइम, या पार्ट टाइम में भी चल जाएगा? तो देखिए, शुरू शुरू के अंदर तो सब आपको टाइम देना पड़ेगा, सिर्फ आपको 4 से 5 घंटे देने, इससे ज्यादा नहीं देना। लेकिन जब आपकी CPF फॉर्म आपको मिल जाएगी तो आप उस हिसाब से फिर आपको ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे ही देने, इससे ज्यादा नहीं देने आपने रात में। और रात बेहतरीन US में शुरू बेहतरीन होती है, रात US में शुरू होती है 6 बजे, क्योंकि वहां पे 8 बजे से काम शुरू हो जाता है। 2 घंटे आगे है, अभी 1 घंटे हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, अभी 2 घंटे आगे US में। जी, ठीक हो गया प्रकाश, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आप लोगों के देखो यार, ये अभी तो शुरू हुई है ना क्लास, आप लोगों को मैं सब बताऊंगा कि किस तरीके से आपने चलना है, क्या करना है, ठीक है ना? अभी तो बहुत कुछ होना है, स्ट्रेटेजी बनानी है आप लोगों ने, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर एक चीज बिल्ड कर लीजिए, B2B काम करना है, बिजनेस टू बिजनेस। CPA फर्म मुझे चाहिए, इसका फायदा पता ही क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको एक CPA फर्म 800-800 1,000-1,000 रिटर्न भरती है US के अंदर। आपको एक CPA फर्म भी मिल गई, आपको जहाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी आपके पास टाइम ही नहीं होगा उसके बाद काम करने का। लेकिन B2C में अगर जाएंगे तो कस्टमर को पहले यही कन्वेंस करते हैं, मेरा US के अंदर जानने वाला है, मेरे ये है, तो
तो B2C अच्छी चीज है, $500 एक साथ रिटर्न में मिल जाएंगे, लेकिन वो आप अपना फाइवर के ऊपर ज्यादातर B2B को क्रॉस करिए, और B2B बहुत आते हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ अपर फाइबर इसलिए कह रहा हूँ कि वहां पे बहुत आते हैं, लेकिन सबसे, लेकिन अपनी मजे की बात बताऊं, आज तक मुझे अपर फाइबर से ही काम भी नहीं मिला। मेरे को सारा का सारा काम मिला है लिंक्डइन से, ठीक है ना, और डिफरेंट चैनल से। जी शहजाद साहब, शाहदेव साहब, सॉरी शाहदेव अवान साहब, जी मुरगान भाई, हमें नहीं लिंक्डइन पहले तो ये बताओ शाहदेव भाई, तुम बैठे हुए कहाँ, सॉरी। बैठे हुए कहाँ आप, पूरी इतनी आवाज गूंजती है। अच्छा मैं जरा जो है ना रूम कमरे बंद, में ही है तो ना, कमरे में ही है ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लिंक्डइन के ऊपर क्लाइंट सर्च करने हैं उसके बारे में भी बताएंगे कैसे हंटिंग करनी। यार उसको मैं बिल्कुल, मैं हंटिंग तो मैं सिखाऊंगा ही नहीं, सिंपल सी बड़ी तरीका, बड़ा अच्छा आपको मैं अच्छा मुझे आप पता है क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि जी क्यों, आप मेरे हर पोस्ट के ऊपर ना लाइक करते हैं, मेरे को आप मेरे को नाम भी याद है आपका, है ना, जी बिल्कुल करते हैं ना बिल्कुल हर पोस्ट बिल्कुल के ऊपर, आप मेरे हर लिंक्डइन पोस्ट के ऊपर लाइक करते हैं, तो मेरे को नाम याद है शादे भवान, ठीक, तो इसीलिए जी सीपीए भी देख रहा होता है, और सीपीए जब देखता है तो यार ये हर पोस्ट पे, क्योंकि जब उसको उसको मैसेज वैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, सीपीएस को कनेक्ट कीजिए, दिन दिन भर उसको कलेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, और उसके है ना उसके ऊपर लिंक, उसके ऊपर लाइक करते रहिए, वो आपको अल्टीमेटली बिलीव करे, कसम खुदा की खाता हूं मैं, कि आपको अल्टीमेटली वो खुद बोलेगा यार मैं देखता हूँ आप मुझे लाइक करते हैं और आप क्या काम करते हैं वगैरह वगैरह। उसको जैसे ही आप देखा यूएस टैक्स प्रिपेयर, अपने रिटर्न अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर यूएस टैक्स प्रिपेयर जरूर लिखें, ताकि वो देखेगा हाँ यार आप यूएस का काम करते हो, कैसा करते हो, ये मेरे पास कितने लोग आए बिलीव करें, ऐसे ही मेरे पास सारे घोड़े आए, ठीक है ना, मैं दिन भर टक 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 टक, जो मेरा कोई काम नहीं होता, मुझे पता भी नहीं होता, ये देख लेता था कहीं भाई उसके ऊपर कोई कुफरिया बात तो नहीं लिखी, पता चला हैप्पी क्रिसमस पे भी टनाटन लगा हुआ हूँ मैं। एक मिसाल की बात कर रहा हूँ ना मैं, कि हम तो गलत समझते हैं ना इस चीज को, तो मैं उस पर भी टनाटन लगा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं, ये देख लेता था, वरना आपको सीपीए को कनेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वो नोटिस करेगा ऑटोमेटिकली, देखिए यार रिस्क आपकी, आप एक इधर अगर आप आए हैं ना तो अल्लाह आपको लेके आया है, ठीक है, तो आप इससे बिल्कुल बेफिक्रिए, ठीक बिल्कुल ठीक है। तो जैसे आप लोग परेशान ना होइए, ये सिर्फ 3 दिन क्लास आप लोग की हेडेक होगी, 6 से 7:15, 7:15, फिर मैं आपकी क्लास 9 से 10 हो जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है जी, आज की क्लास में यहाँ खत्म करता हूँ, और कोई सवाल, अजी उमर साहब आपका आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ, प्लीज। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं रेलती बनाता हूँ एज ए सिंगल मैन, और 1 साल के बाद मैं उसको अमेंड करना चाहूँ, मैं मतलब सारा इसको एज अ एलएलसी का काम पार्टनर, आज आप सीख लो, मतलब इंडिविजुअल नहीं एक टैक्सेशन की छोटा क्लास सवाल, हो। अच्छा छोटा सवाल, अगर मैं उसको एज अ पार्टनर एक बंदे को ले लूँ, तो क्या मैं अपनी एजेंसी को अमेंड कर सकता हूँ जी और या बिल्कुल, नहीं एज ए सिंगल एलएलसी बनानी को, पड़ती? सिंगल को मल्टी मेंबर कर सकते हैं एलएलसी, मल्टी मेंबर को सिंगल मेंबर एलएलसी कर सकते हैं, स्टेट के अंदर जाके चेंजिंग कर दीजिए और EIN को जाके चेंज कर दीजिए, अमेंड कर दीजिए, और अगर ये दोनों चीजें मुश्किल हो तो स्टेट के अंदर कुछ भी चेंज ना कीजिए, स्टेट को बताने की कोई जरूरत नहीं होती, नया EIN बनाना चाहे तो नया EIN भी बना लीजिए, अच्छा, नई एलएलसी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई जरूरत उसको नहीं पड़ती चेंज भाई, कर, उसको जाके अमेंड कर दीजिए, अमेंड करेंगे तो पैसे लगेंगे, स्टेट पे बताने की क्या जरूरत है, फेडरल को बताइए जान छुड़ाइए, वहां से होता है ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट को अमेंड कर लीजिए, स्टेट पाकिस्तान की तरह नहीं है वो लोग भाई, कैसी सीपी कहता है कि अगर आप कुछ भी चेंज करो तो मुझे फॉर्म भर भर के दो, US में ऐसा नहीं है, वो कहता है भाई जान एक बंदा है, दो बंदे हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, 10 हो, मरते हो मर जाओ, नहीं मरते नहीं मरो, बस मुझे हर साल आके रिपोर्ट फाइल कर देना, पैसे दे देना, खत्म, इसके बाद कुछ करना है करते रहो। एक एलएलसी के ऊपर एक EIN बनता है या मैं आपको फिर पांच ट्रिपल बना बनता दूं, है? मैं पांच बना दूं पक्का, गारंटी दो, कभी कभी मैंने सुना नहीं, थम्स जितने भी हम लोग हैं हम सबको क्या भेजोगे? अप। चले थम्स अप भेजे, एक भाई तरीके बताऊंगा सारे, टेंशन ना लीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह, थैंक यू सर, बाय।